आदाब है। उन्हें आख्या तू आके अंदर पढ़ दिया सलाम क्यों, उन्होंने क्यों पता भी कौन है, सलाम क्यों नहीं लिया। उन्हें आख्या भी उलमा ए अरब ते अजम उन्हों का फैसला है वे कि दियोबंदी मुरतद ने, मुरतद ने, इस वास्ते जिहड़ा मुरतद होवे उहदा सलाम नहीं लईदा। वह कह लगा तू कौन है, आपने फरमाया मैनू आंदे ने मुहम्मद सरदार अहमद बरेलवी। एक गल पढ़नी हो शेख उल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैज़ अहमद वैसी बहावलपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब मेरे को मौजूद है, उसके अंदर आपकी पहेलियां में बात लिखी है। ये है जहानत की पहेलियां, फिकी पहेलियां। तो इसलिए मैं सलाम नहीं लिया, तू कौन है। उन्हें आख्या मैनू आंदे ने मुहम्मद सरदार अहमद बरेलवी। उन्हें जो सुनिया तो उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने मौलवियों शिकस्त आप मुनाजरे दे चुके सन बेशुमार मरतबा। मौलवी मंजूर संभली उन्होंने बड़ा संभलिया नहीं जाता, फिर आपने संभालिया, उसका नाम से मौलवी मंजूर अहमद संभली, फिर आपने उन्होंने ऐसा संभाला दिता ना परत के जरूरत नहीं हुई शेख उल हदीस ने मुनाजरा करन दी, मौतजी आजम के सामने आने की जरूरत नहीं हुई सारी जिंदगी उसकी, ऐसा संभलिया फिर तो उन्होंने हूँ पता से उसके कान खड़े हो गए। कह लगा तुहाडा अकीदा यह है, तवज्जो जरा सरदार अहमद तुहाडा अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कायनात दे जर्रे जर्रे दा इलम अल्लाह ने अता कीता है। आपने फरमाया हाँ साडा अकीदा है। पंडित साहब बड़ी तवज्जो नाल सुनना नी गल, तुहाडा अकीदा है। आपने फरमाया है। उन्हें ना जमीन उत्तों एक तिनका चुकया, एक तिनका चुकया, फॉर एग्जाम्पल मिसाल है ये तिनका था, उसने उठाया। कह लगा सरदार अहमद ये दस इस तिनके नू सरकार जान दे। ए उस दियोबंदी ने सवाल किया भी इस तिनके नू सरकार जान दे। आपने फरमाया तू ये दस ये तिनका सरकार नू जान दे कि नहीं, दस ये तिनका सरकार नू जान दे कि नहीं। कहन लगा जी मैनू नहीं पता। आपने फरमाया फिर मैनू पूछ, तुहानू ते अगे नहीं पता, जे नहीं पता ते मैनू पूछ। उन्हें आख्या सरदार अहमद दस। आपने फरमाया मुसंदे इमाम अहमद बिन हंबल दे अंदर हदीस मौजूद, इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाए काफर जिन दे और सवाए काफर इंसान दे कायनात दा जर्रा जर्रा इस गल नू जानदा है मैं मुस्तफा ओदे वल अल्लाह दा नबी ते रसूल बन के आया। नहीं पता तो मेरे को पूछ। आपने हदीस सुना दी तो फिर आपने आख्या कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, अगर ये जर्रा जो है ये सरकार को जानता है तो सरकार जर्रे को भी नहीं जानते। हूँ पढ़ी आला हज़रत का शेर जी, जोक है कि बस करिए। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत मुज्जदीद दीन व मिल्लत सिराज अल उम्मत नायब इमाम आज़म हनीफा मौलाना इमाम शामदरज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस वास्ते फरमांदे ने ए इन्हां लोगां नूं की पता होवे, लेकिन साडे आका दी शान है वे मेरे नबी दी निगाह जिस वेले झुकदी है तहत सरा ते जांदी है, जदों उठदी है ते अरशे उला ते जांदी है, कोई शै पोशीदा नहीं हुंदी। तर्जमा करदिआं फरमांदे ने आका तेरे गुलामां दा अकीदा है वे दिले फर्श पर है तेरी नजर सरे अरिश पर है तेरी गुजर। पढ़िए मिलके दिले फर्श पर है तेरी नजर सरे अरिश पर है तेरी गुजर दिले फर्श पर है तेरी नजर और सरे अरिश पर है तेरी गुजर। आका मालकू तो मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। तेनू की पता होवे अकीदे दा, अकीदा लेना है ते इन्हां लोगां दी बारगाह चा तेनू कुरान वाला अकीदा ते नबी दे फरमान वाला अकीदा दसण। फरमाया मलकू तो मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ते जदों कोई नवा बंदा किसी इलाके च आए तो लोगों दुख दा दे आया ना, लोगों तकलीफ तो होंगी है ना इस गल की।
मौलाना सरदार अहमद साहब आ गए थे बद अकीदा जिन्हें सू टप्पण लग पे लै हूँ आ गई लै आ गई हूँ इनू कढ़ो इनू कढ़ो या कढ़ाओ इनू फैसला बाद च नहीं रहना चाहिए ये मौली सरदार अहमद आ गया इनू कढ़ो बाहर इन्हें तो इतने आके दरूदो सलाम जो शुरू करा देना इन्हें तो फलां काम शुरू कर देना फलां काम शुरू कर देना लो जी हूँ गैरों के पेटे डिज हो लग भी पीड़ उन्हें पाता रौला उन्हें आख्या लै गौरमेंट की जमीन से उत्थे कब्जा करके बह गया होर कख ना ना लभा गौरमेंट की जमीन से उस पर कब्जा कर लिया जी डिप्टी कमिश्नर उस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत का डिप्टी कमिश्नर वो सारे बद अकीदा गए सर जी थोड़ा खा के पालने तो साड़ी गल भी तो मनो ना थोड़े ही खाने थोड़े ही गुण गाने तो साड़ी गल भी मनो उन्हें क्या भी दसो की गल है एडे भैड़े मूँह लैके एडे खैर की हो गया तुहानू ये वो जी गल तो कोई नहीं बस एवं सानू एक परेशानी उन्हें क्या दसो की परेशानी है सरदार अहमद आ गया ये सरदार अहमद आ गया कौन सरदार अहमद वो मौलवी सरदार अहमद आ गया इतने तो उन्हें तो आके इतने नवे नवे काम बितां शुरू कर देनिया उन्हें तो दरूद सलाम शुरू करा देना उन्हें तो खत्म शुरू करा देना जरूर शुरू करा देना तो बड़ा साढ़े वास्ते बड़ा गैर मुनासिब काम है लै असी जद्दी पुछती है तो नवा नवा आया और रौला पाता उन्हें डिप्टी कमिश्नर कह लगा डी सी जरा उन्हें आख्या भी यक तरफा मैं कार्रवाई नहीं कर सकता मैं पहला जावगा जाके वेखागा पहला मैं जावगा जाके वेखागा वो गल सुनागा पसंद आया तो मैं भी उत्थे जावगा तो फैसला मैं करा।